हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला और चने की दाल मेरे तरीके से। मैंने 300 ग्राम करेला ली हूँ, 300 ग्राम करेला ली हूँ। देखो इसको बीच में से बीज निकाल दी हूँ मैंने और इसके 1/4 इंच के पीसेस बना दी हूँ। आपको दिख रहा है, ये देखो है ना। और इसमें मैंने नमक डाल कर रख दी थी और इसको अच्छा मल कर फिर आधा घंटे के लिए और इसको धो लियो, ठीक है। मैंने 300 ग्राम करेले के लिए 100 ग्राम चने की दाल मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दी। मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज ली हूँ, 2 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया ली हूँ, 1 पूरी अक्खी पॉट गार्लिक और 7 से 8 हरी मिर्ची और थोड़ा नमक डालकर इसका मसाला तैयार करी हूँ, 2 टमाटो चॉप ली हूँ, 2 लेमन का जूस ली हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी ली हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ली हूँ, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ली हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा ली हूँ, होल जीरा ली हूँ और ये मैंने 1 टीस्पून भर के धनिया लियो। यहाँ पर मैंने प्याज के साथ ही करी पत्ता डाल दियो, ठीक है ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तेल 3 टेबलस्पून डाल दियो। देखो तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने इसमें जीरा डाल दिया, थोड़ी देर जीरा ज़रा लाल हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और करी पत्ता। देखो थोड़ी ट्रांसपेरेंट होंगी ना हमारी आनियन। इसके बाद हमको ये जो मसाला है ये हम डाल देंगे, गार्लिक ग्रीन चिली और सॉल्ट, ठीक है। तो हमारा अच्छे से मसाला भुनेंगे, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे टॉप, और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। सारे सूखे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर और इसके अंदर चने की दाल डाल के थोड़ी देर इसको दम पे रख देंगे ताकि टमाटोज भी गल जाए और हमारी चने की दाल भी गल जाए, ठीक है। ये मैंने धोकर भिगाई हुई है चने की दाल। अगर आपको नहीं डालना है चने की दाल, कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। आपको मैंने जैसे 100 ग्राम डाल ली हूँ 300 ग्राम करेले में, अगर आपको 50 ग्राम डालना है तो 50 ग्राम डालिए, और नहीं डालना है तो सेम ही मसाले में बनाइए। सिर्फ चने की दाल को आप निकाल सकते हैं, बगैर चने की दाल का करेला बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कवर कर दी बस। अभी हम देखते हैं, हमने इसमें एक ड्रॉप भी वाटर नहीं डाले थे, ये देखें अभी। मगर फिर भी अभी टमाटर अच्छे है और थोड़ी चने की दाल भी गलना बाकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इसके अंदर पानी डाल देंगे 1 कप जितना, ठीक है। फिर से कवर करके हम रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। ये देखो है ना, थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें करेला डाल देंगे। हमने इसको अच्छे से धोकर निचोड़ कर रख दिए थे और अभी फिर से हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि दाल हमारी ज़्यादा निकल जाए, हमारी दाल खड़ी खड़ी दिखना चाहिए। तो अभी करेले के साथ जो थोड़ी बाकी है वो गल जाएंगी। हम कवर एकदम लो फ्लेम पे फिर से कवर करके रख देंगे। अभी आपको मैं बता दी, ये देखो कितने अच्छे से हो गए। हम देखते हमारा करेला के गला या नहीं, या चने की दाल गली या नहीं, सब हमारा गला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। सब्जी पहले तो हम चने की दाल को चेक करेंगे, थोड़ा ये भी बाकी है मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वॉर्म वाटर 1/2 कप और डाल देंगे क्योंकि चने की दाल अभी गली नहीं है बराबर से। देखो मैंने 1/2 कप ओवन में वॉर्म कर ली इसको और ये डाल रही हूँ। क्या अभी सब्ज़ी पकने को आ गई है, अगर हम ठंडा पानी डाल देंगे तो फिर वो बराबर से और गलेंगे नहीं। अभी खाली 2-3 मिनट्स में ये पानी सूख जाएगा और हमारी सब्ज़ी रेडी है। ये अच्छे बन गए, हमारे करेले हो गए रेडी। अभी हम इसको इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और गैस ऑफ करके हम डालेंगे नींबू का जूस, ठीक है। 2 लेमन का जूस डाल देंगे। इतने ज़बरदस्त लगते हैं, आप यकीन करना, ये करेले तो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने इसको छान कर डाल दी, ठीक है, ऑफ करके फ्लेम। ये देखो अभी हम प्लेटिंग करके आपको बताते हैं। तो सर्विंग बॉल में इसको डिश आउट कर दियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज़ मिलते रहेंगी और आप मेरे तरीके से चना दाल और करेला और चने की दाल बनाकर मुझे कमेंट्स में बताना। और आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। अल्लाह हाफिज़।